कोरबा जिले के दीपका थाने के एक पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां पुलिसकर्मी एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले युवक से मारपीट की है और आसपास खड़ी ट्रक के कांच को तोड़ दिया गया है। वहीं मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिलासपुर के सकरी थाना में पदस्थ एक एएसआई शत्रुघ्न खूंटे का वीडियो वायरल हो रहा है। जब एएसआई मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाने में पदस्थ था, तब उसने आरोपी को बचाने और जल्दी चालान पेश करने के नाम पर 1,00,000 रुपए में सौदा किया था। वायरल वीडियो के अनुसार एएसआई 20,000 रुपए तत्काल लेने की बात स्वीकार कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग और सीएमएचओ की टीम ने मिलकर एक अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की है, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उसलापुर स्थित दयावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सील किया गया है। रायपुर की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम द्वारा सटोरियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सटोरियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सट्टा संचालन करने वाले कुल 27 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी रकम 42,000 रुपए तथा सट्टा पट्टी जब्त किया गया है। जीपीएम जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के अपराधी को पेंड्रा रोड के एडीजे कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे किरण थवाइत ने यह फैसला सुनाया है। सूरतपुर जिले के रेवटी चौकी पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चौकी के सामने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सहित टिक्कू उर्फ खुशदिल पटेल एवं रविशंकर मिश्रा को पकड़कर उनके कब्जे से अवैध नशीली इंजेक्शन रेक्सो जैसिक 199 नग व एविल 199 नग, कुल 398 नग नशीली इंजेक्शन जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,19,000 बताई जा रही है। नवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार को दोपहर डुमरीडी निवासी दो चचेरू बहनों के द्वारा मरोदा ओवरब्रिज से छलांग लगाई गई, जिसमें से बड़ी बहन की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर स्थिति में छोटी बहन का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा फिलहाल मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया गया है। रायपुर की कोतवाली पुलिस की टीम ने मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर भागने का प्रयास कर दो युवकों को पकड़कर जांच करने के दौरान सौरभ यादव एवं शेख जुम्मन के पास से अलग अलग स्ट्रिप में रखे कुल 400 नग नाइट्रोटेन प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त की है। चिटफंड कंपनी पीएलसीएल के डायरेक्टर जोगिंदर को पकड़ने में कवर्धा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कवर्धा पुलिस ने घेराबंदी कर दिल्ली के आईपी स्टेशन के पास आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रकम दुगना करने का झांसा देकर निवेशकों से 6.66 करोड़ रुपए की ठगी की है। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के ग्राम काड़े में स्थित तालाब के पास एक महिला की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। जांजगीर जिले की अड़भार पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो 7 साल से फरार वारंटी है। वह अपने साथी के साथ चोरी की बाइक अपने पास रखा था। फरार वारंटी संदीप महंत अपने साथी राजाराम कटेला से मिलकर 9 बाइक चोरी किया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चिटफंड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में सिटी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। प्रतिष्ठा इंफ्रोकॉम इंडिया लिमिटेड के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी अमित सरकार को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। राजस्व विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में जसपुर जिले की कुनकुनी पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शामिल 2 आरोपी रायपुर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं। उन्हें प्रोडक्शन वारंट में जसपुर लाने की तैयारी जसपुर पुलिस कर रही है। बिलासपुर की पुलिस ने चोरी के 15 दिन बाद ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है, लेकिन ट्रॉली अभी तक गायब है। पुलिस ने इसमें एक आरोपी मयंक श्रीवास को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी
अनिकेत श्रीवास व विशाल श्रीवास फरार बताए जा रहे हैं। जसपुर जिले के फरसाबहार थाना क्षेत्र में मेंडर बहार सुगबा सुपारा गांव में जमीन विवाद से भड़के दत्तक पुत्र ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में पिता की मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के दत्तक पुत्र महेश राम को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के बेयर हाउस रोड स्थित हेल्थ केयर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट के मापदंड के अनुसार नहीं मिलने पर प्रबंधन को अस्पताल बंद करने का निर्देश दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग को इलाज न करने की गलत जानकारी देकर इलाज कर रहे थे। गुरुवार को टीम ने अस्पताल में इंस्पेक्शन के बाद अस्पताल को सील कर दिया है। क्राइम ब्रांच व साइबर क्राइम यूनिट भिलाई ने ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश करते हुए प्रार्थी के सहकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रार्थी के मोबाइल पर ही गूगल पे अकाउंट डाउनलोड कर ठगी की घटना को अंजाम दिया था और ठगी की रकम से मोबाइल खरीदा तथा ऑनलाइन गेम में पैसे उड़ा दिए। पाटन विधानसभा क्षेत्र के रानीतराई थाना क्षेत्र में ग्राम घोगारी में अवैध कच्ची शराब की बिक्री से तंग आकर ग्राम पंचायत पहंदा की सरपंच मनीषा देशलहरे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। समर्थन देने भाजपा के तीनों मंडल अध्यक्ष भी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। रायगढ़ में जिंदल एयरपोर्ट के पास एक कार का पहिया फटने से वह बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में जन्मदिन की पार्टी मनाने ढाबा जा रही एक युवती सहित तीन लोगों को बुरी तरह जख्मी होने पर जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दो युवक बाल बाल बच गए। यह हादसा कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने गुरुवार को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलकांत प्रसाद और पवन नाग ने तुर्क से मोटरसाइकिल चुराई थी और यहां सस्ते दाम में बेचने की फिराक में घूम रहे थे। दोनों आरोपी दुर्ग जिले के बताए जा रहे हैं। रायगढ़ के FCI में चल रहे वाहन नंबर के फर्जीवाड़े मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने एक ही नंबर के दो गाड़ियों के मामले की जांच शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि दूसरी गाड़ी या तो चोरी की है या उसका टैक्स बकाया है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में प्रार्थी नीतीश कुमार प्रधान के वाहन की डिक्की से मोबाइल चोरी करने वाले व चोरी का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। सारंगढ़ के सूरजगढ़ पुल में नए ठेकेदार की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां पहले जो ठेकेदार था वह टोल टैक्स के नाम पर डंपर गाड़ियों का 100 रुपए ले रहा था, लेकिन अब नए ठेकेदार PWD विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यहां हर डंपर गाड़ियों से 300 से 400 रुपए टोल टैक्स के नाम पर वसूले जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी पुलिस की टीम ने जंगल के बीच हुए फड़ में दबिश देकर जुआ खेल रहे 23 जुआरियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 2,16,000 रुपए नगद सहित 10 बाइक, एक कार और 19 नग मोबाइल को जब्त किया है। रायगढ़ जिले के पुसौरा थाना क्षेत्र के बड़े भंडार स्थित रायगढ़ एनर्जी के पास ट्रैक्टर पलटने से राजस्थान के एक चालक का हाथ टूट गया। वह इस कदर जख्मी हुआ कि उसकी मौत तक हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के साथ पूर्व में शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट पर बिलासपुर के तोरवा थाना पुलिस ने आरोपी आकाश पासी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर की कोनी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर के पास बिरकोना रमतला रोड में मोटरसाइकिल बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे दो नाबालिग सहित तीन युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी की 6 बाइक को जब्त किया है। रायगढ़ जिले के पुसौर पुलिस ने बाइक चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 20 नग बाइक बरामद की है। दिलचस्प बात यह है कि सारी बाइक बिना गियर वाली TVS XL है।
जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर महज 15 दिन में बाइक चोरी कर बेच दी, फिर दुकानदार को ठगा, ट्रेन में उठाई गिरी और एक व्यक्ति को पिकअप बेचने का झांसा देकर उससे 2.5 लाख रुपए और सोने का लॉकेट छीनकर भाग निकले थे।